का दिवस, मातृभूमि के लिए, देश और धर्म के लिए अपनी शहादत देने वाले गुरुपुत्रों और गुरु माता के प्रति नमन का दिवस है, श्रद्धा और कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। इस साहिबजादा दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश सरकार शासन की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए पूरे सिख समाज को और प्रदेशवासियों को इस गौरव की अनुभूति करने के इस दिवस के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने मुझे ये गौरव प्रदान किया कि यहां पर आज हम सब इस अवसर पर गुरुवाणी का कीर्तन कर सके। क्योंकि गुरुवाणी का कीर्तन ये हम सबको एक नई प्रेरणा देता है आगे बढ़ने का, देश और धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों के बोध को एहसास कराने का। विगत वर्ष भी यहां पर गुरु नानक देव जी की 550वीं जो संकीर्तन यात्रा निकली थी, उस अवसर पर यहां पर उस यात्रा को आने का और इसी परिसर में मुझे यात्रा का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और मेरे सभी सहयोगियों ने उस यात्रा के साथ जुड़ करके अपने आप को अपने इतिहास के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की थी। आज एक नया इतिहास यहां पे बनता है कि हम सब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार पुत्रों बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह की शहादत के साथ ही माता गुजरी के शहादत के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें। और मुझे लगता है कि गुरुवाणी का एक कीर्तन के साथ हम सब का जुड़ना एक नए इतिहास को आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पे जो कई साथियों ने बड़े विस्तार से रखा है विषय को, मन में तो आता है कि बैठ करके पूरा इतिहास सुना जाए, लेकिन मैं व्यक्तिगत अपनी बात बता रहा हूं। संघर्ष तो एक जीवन होता है और गुरु परंपरा में जो बलिदान है, जिस बलिदान के कारण से मैं अगर यह कहूं कि इस देश में देश के लिए और धर्म के लिए लड़ने और जूझने की प्रेरणा कहीं से प्राप्त होती है तो गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त होती है। लेकिन जब मैं गुरु गोविंद सिंह के चार पुत्रों में से दो युद्ध क्षेत्र में बलिदान देते हैं और दो वजीर खां जैसे क्रूर इस्लामिक शासक के कारण से अल्प आयु में दीवालों में इसलिए चुनवा दिए जाते हैं कि वो इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं, तो मेरा तो लगता है कि आज यह घटना मेरे सामने घट रही है और इसी समय अगर वजीर खां हो तो उसकी गर्दन उड़ा दिया जाए। ऐसा एक वार में एक भाव आता है, खुशी के आंसू भी आते हैं
और क्रोध से खून भी खौलता है। इस प्रकार की परिस्थिति इस देश में किस प्रकार से किस किस चुनौतियों का सामना किया है उस वर्णन में मैं नहीं जाऊंगा। आज आप में से बहुत सारे लोगों ने सुबह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात के माध्यम से अभी पिछले दिनों ही आपको ध्यान में होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं गुरुद्वारा साहिब में जाकर के शीश नवाए थे और आज साहबजादा बलिदान दिवस के अवसर पर उन्होंने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था यह बलिदान हमारे ऊपर कर्ज है और इस कर्ज को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और उस कर्ज को कैसे अदा करना। और मुझे दो दिन पहले सूचना मिली थी कि आज मुख्यमंत्री जी के आवास पर यह कार्यक्रम है तो मुझे स्वयं भी मतलब जैसा मैं आपको बताया कि जिस पहले मैं जो कार्य करता था उस कार्य को करते हुए कभी सिख परंपरा में जो हमारे गुरु हैं या हिंदू समाज में जो हमारे अनेकानेक धर्म गुरु हैं ये कभी बीच में दीवार नहीं रही। अगर श्री राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई लड़ने का विषय है तो गुरु ग्रंथ साहब में उसका भी उल्लेख है, वह हम लोगों ने कई बार उल्लेख किया है।